हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लविश बेस प्लैनेट और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो है S&B का। इसके बारे में बताने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताऊँगा। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर बता दूँगा आपको, यह है SB806B, ठीक है। और इसके बारे में आपको दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ भाई, जो पहले तो वो देखने जो सिर्फ प्राइस देखने के लिए वीडियो में आते हैं। प्राइस इसका मैं पहले बता देता हूँ आपको, 4000 से 5000 के अराउंड आपको मिल जाना चाहिए ये एम्पलीफायर, ठीक है। और बाकी आपके एरिया के हिसाब से होता है भाई, ये मत बोलना कि हमारे यहाँ तो इतने का मिलता है, तो वो प्लीज़ आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें। और दूसरा, जो सिर्फ ऊपर की इसकी वोल्टेज देखते हैं तो उनको लिए भाई बता दूँ पहले ये देख लिया 7600 वाट का है। तो वैसे तो इसकी मेन चीज़ जो होती है RMS ही होती है, लेकिन बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो नहीं मानते, भाई हमें तो यही देखना है, तो भाई ये देख लो आप 7600 वाट का है, ठीक है। अभी मेरे पास जो मॉडल है ब्लैक कलर में है, तो ये 4 चैनल एम्पलीफायर है हमारा S&B का। इसकी RMS जो है, RMS पावर वो है 60-70 वाट RMS पर चैनल। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए यह इनपुट RC इनपुट के लिए, ये पहले दूसरे चैनल की, तीसरे और चौथे चैनल की, और यह RC आउटपुट। अगर आप एक और एम्पलीफायर इससे अटैच करना चाहो तो उसके बाद ये होती है हमारी गेन की सेटिंग, और उसके बाद LPF की, लो पास फिल्टर की, और यह है HPF हाई पास फिल्टर, ट्रेवल बूस्ट, और यह है बेस बूस्ट, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में भी जिनको नहीं पता, ट्रेबल बूस्ट जो होती है वो HPF के साथ कनेक्ट होती है हाई पास फिल्टर यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी, और जो हमारी बेस बूस्ट होती है वो LPF के साथ होती है लो पास फिल्टर के लिए, ठीक है। इससे हम सबवूफर, अगर आप सबवूफर चला रहे हो तो ये LPF पे आप सेट कर सकते हो, अगर आप स्पीकर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप ट्रेबल पे और HPF पे आप सेट कर सकते हो। तो और उसके बाद ये जो हमारा होता है LPF और HPF सेट करने के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, और ये हमारा इस तरफ जो है टर्मिनल्स आ जाते हैं पावर के और ऑडियो के। ये है हमारा पावर सेक्शन प्लस 12 वोल्ट जो हमारी बैटरी से आता है, रिमोट जो हमारे स्टीरियो से आता है, और ग्राउंड जो हमारी कार की चैसी से कहीं भी आप ले सकते हो। और उसके बाद इसमें 30 एम्पेयर के 2 फ्यूज़ दिए हुए हैं, और तीसरे और चौथे चैनल के लिए ये पहला टर्मिनल दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड के लिए ये दूसरा वाला टर्मिनल दिया हुआ है। तो लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। इसके कंपेरिजन में, इसके प्राइस रेंज में एक टॉर पेडो का एम्पलीफायर भी आता है, वो इसका बॉक्स पड़ा है मेरे पास, वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसके कंपटीशन में S&B के ये वाला इसका मॉडल आता है। तो इन दोनों एम्पलीफायर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्राइसिंग में भी और पावर में भी सेम ही है। अगर आप कोई भी लेना चाहो तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक कंपोनेंट का सेट और एक सबवूफर चलाना चाहते हो, ये दोनों एम्पलीफायर आँखें बंद करके कोई भी ले सकते हो अगर आपका प्राइस कम है। अभी हमने इसका बैक कवर हटा लिया है, मैं आपको इसके सर्किट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 कॉइल्स लगी हुई हैं, इसे ट्रांसफार्मर भी लोग बोल देते हैं। तो ये अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात होती है। किसी किसी एम्पलीफायर में ही होता है जिनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी में और थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये होता है हमारा पावर का सेक्शन, ठीक है, जिससे एम्पलीफायर ऑन होता है, जिससे इसको पूरे एम्पलीफायर को पावर मिलती है, और ये होता है हमारा ऑडियो सेक्शन, ठीक है। अगर तो आपके लाइट वगैरह नहीं आ रही, पावर का कोई इशू है इसमें, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो अगर ऑडियो का है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें जो हमारा ट्रांजिस्टर है पहले नंबर पे, ये वाला, इसका नंबर है NJW0302G, और जो इसके साथ वाला सेकंड इन्होंने ट्रांजिस्टर दिया हुआ है वो है NJW0281G। और इसमें अगर MOSFET की बात करें तो ये IRF Z48N है,
नॉर्मली कई एम्पलीफायर में Z44N होता है, इसमें Z48N है, ये देख सकते हैं आप। तो भाई मैंने अभी अटैच कर लिया बैटरी से और स्टीरियो से, इसको कनेक्ट वगैरह करके इस पर सबवूफर लगा दिया JBL का, इस पर सॉन्ग लगाते हैं। तो ये वाला है वो सॉन्ग जो मैं आपको बता रहा था, तो इस पर मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसे। जैसे अप डाउन कर रहा था, आपने देखा कितने प्रेशर से, ये होती है लो फ्रिक्वेंसी। तो जो प्रॉपर लो फ्रिक्वेंसी आपकी निकालते हैं तो वो ही एम्पलीफायर का इससे अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। वैसे तो कोई भी थोड़ी सी बहुत ही बेस निकाल रहता है, अगर हमें चेक करना है कि हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है तो ये वाला ही सॉन्ग प्ले करके आप उसे फ्री एयर टेस्ट उसका ज़रूर करके देखें। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।